हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार दोबारा मैं आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2022 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा, इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ 2022 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल की एक डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, कितने प्राइस पॉइंट पर आ रही है, फीचर स्पेसिफिकेशन क्या है, माइलेज आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉप ऑफ ऑल अगर आप कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कहां तक वर्दी है वो भी आप लोगों को वीडियो के एंड तक पूरी तरीके से बिल्कुल पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप बजाज की बाइक खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आप लोग आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 2022 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल का वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों को कलर वेरिएंट्स क्या क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है। तीन टोटल कलर आप लोगों को देखने को मिल जाती है, स्पार्कल ब्लैक रेड जो कि ये वाली कलर आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स स्पार्कल किस लिए, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये जो स्पार्कलिंग इफेक्ट है यहां पर आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। साथ ही यहां पर आप लोगों को स्पार्कल ब्लैक ब्लू और स्पार्कल ब्लैक सिल्वर मिल जाती है। बहुत चीजें बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। यहां पर आप ये रेड स्टिकर देख पा रहे हैं, यहां पर आप लोगों को ब्लू और सिल्वर स्टिकर के साथ कंपनी और दो कलर अवेलेबल करवाती है। तो ये तो फ्रेंड्स कलर के बारे में बात हो चुकी है। अब प्राइस पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहां पर आप लोगों को कंपनी 2022 से 2023 आप कह सकते हैं यहां पर क्या क्या फीचर और स्पेसिफिकेशंस कंपनी आप लोगों को ऑफर करती है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहां पर इसकी जो की है उसको ऑन करके बताऊं, एक बार देखिए की अगर मैं आप लोगों को ऑन करके बता रहा हूं तो देखिए यहां पर कोई चीज आपको जलती हुई नहीं दिख रही है, चाहे इसके पायलट लैंप हो चाहे इसके हैलोजन हेडलैंप हो। तब तक आप इसको ऑन नहीं कर सकते हैं जब तक आप यहां पर इसकी जो इग्निशन है उसको ऑन नहीं कर रहे हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हेडलैम्प का बात हो गया। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज की जो लोगो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को बिल्कुल मिल जाती है। चलिए थोड़ी सी नीचे आते हैं, बात करते हैं अबाउट द मडगार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइबर से मतलब इसको बनाया गया है और क्वालिटी बहुत सही है। साथ ही फेक कार्बन फाइबर की जो फिनिश है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर की स्टिकरिंग है। और टायर की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, तो दोनों ही टायर आप लोगों को फ्रंट और रियर में सीएट की तरफ से कंपनी ऑफर करती है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी साइज के बारे में बताऊँ तो 90x90 सेक्शन की आप लोग को यहाँ पर टायर मिल रही है विद 17 inches ऑफ अलॉय व्हील। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को सेफ्टी सिस्टम के बारे में बताऊं तो सिंगल चैनल ABS यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट में ABS की रिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर आप लोग रियर में देखते हैं तो आप लोगों को रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन RLP का वहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सेफ्टी जो है कंपनी ने यहाँ पर भरपूर दी हुई है। अब अगर सामने में मैं आप लोगों को यहाँ पर इस ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो 280mm का यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा सा डिस्क बिल्कुल देखने को मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन की बात करते हैं तो 37mm की यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक या फिर आप इसको कन्वेंशनल फोक भी कह सकते हैं जो कंपनी ऑफर करती है विद दिस रिफ्लेक्टर। चलिए अब यहां पर बात करते हैं अबाउट द हार्ट ऑफ दिस बाइक दैट इज इंजन। यहां पर कंपनी दो चीज यहां पर देखने लायक है फ्रेंड्स कि यहां पर देखिए जो किक का ऑप्शन है वो कंपनी ने नहीं दिया है। और साथ ही यहां पर काफी तगड़ी क्वालिटी की आप कह सकते हैं फाइबर की यहां पर ये जो इंजन की जो काउल है वो भी कंपनी ऑफर कर रही है। अब यहां पर इंजन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 149.5cc SOHC 2-valve लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स की जहां तक बात है फ्रेंड्स तो 14 PS तक का यहां पर आप लोगों को जो मैक्सिमम पावर है वो यहां पर कंपनी ऑफर करती है एट 8500 RPM। और जहां तक बात है टॉर्क की 13.25 Nm की मैक्स टॉर्क आपको मिल रही है 6500 RPM पे। एक चीज यहां पर देखने लायक है फ्रेंड्स कि मतलब हम लोग ये कहते हैं कि अगर किक नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होगी। अब फ्रेंड्स वो जमाना गया जब कार्बोरेटर इंजन हुआ करती थी और बरसात का या जाड़े के मौसम में गाड़ी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। अभी फ्रेंड्स ये जो सारी आप यहाँ पर जो मतलब जो सारी सिस्टम देख पा रहे हैं ये सेंसर के हिसाब से काम करती है। तो किक नहीं भी होने से ना आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गाड़ी स्टार्ट करने में। मेरे पास भी BS4 की ही 150 ट्विन डिस्क की मॉडल है, आज तक मुझे कभी मतलब किक ना होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई है। ये मैं आप लोग को बिल्कुल अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को इंजन के बारे में बताया। थोड़ी सी मैं आप लोगों को कंपैरिजन देना चाहूंगा विद टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज TVS Apache RTR 162B। अभी तो वो मतलब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स मतलब ब्लूटूथ भी कंपनी ऑफर कर रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई अपडेट कंपनी ने नहीं किया है। तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी मतलब फीचर वाइज पीछे हो जाती है, लेकिन अगर इंजन कंपेयर किया जाए फ्रेंड्स तो थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को वहाँ पर मतलब पावर फिगर्स देखने को मिलती है। 16 PS तक की पावर और 13.85 Nm तक की टॉर्क, मतलब 2 PS पावर ज़्यादा और 0.5 Nm तक की टॉर्क ज़्यादा अगर आप 162B अपाचे में चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मतलब अगर आप दोनों की परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी अगर आप बाइक चलाकर भी देख रहे हैं तो, ठीक है। ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और भाई अगर आप फ्रंट सेक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स तो अगर आप कंपेयर करते हैं विद मतलब अपाचे 162B ना, तो आप लोग को यहाँ पर जो सारी चीज़ें आप लोगों को बेहतर ही देखने को मिलती है। चाहे मतलब टायर तो आप लोग को सेम ही देखने को मिलेगी दोनों बाइक पर, लेकिन ब्रेकिंग और सस्पेंशन जो आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिल जाती है व्हेन कंपेयर टू
TVS Apache RTR 162V वर्जन। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर इसकी जो रियर सेक्शन है थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टायर आप लोग को यहाँ पर मिल रही है 120x80 सेक्शन की टायर आप लोग को यहाँ पर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और साथ ही यहाँ पर अगर पीछे की ये जो आप मतलब जो डिस्क देख पा रहे हैं ये आप लोगों को 230mm की देखने को मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन है उसके लिए भी यहाँ पर ये जो रिंग है दी गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये ABS की रिंग नहीं है, रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन की रिंग आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं बॉक्स सेक्शन स्विंग आप लोग को यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो ट्विन गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर है वो भी आप लोग को यहाँ पर दोनों साइड में बिल्कुल देखने को मिल जाती है। बाकी टायर्स एक बार दिखाना चाहूंगा, काफी ज्यादा चौड़ी आप लोग को बिल्कुल देखने को मिलती है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी रियर सेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बल्ब की आप लोग यहाँ पर टर्न सिग्नल मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पर पल्सर की जो ये सिग्नेचर टेल लैंप है वो भी आप लोगों को, या फिर कह सकते हैं LED जो टेल लैंप मिलती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। हल्की सी कंपैरिजन दोबारा कर लेते हैं विद इट्स कॉम्पिटिटर दैट इज अपाचे 162V। टायर अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो अपाचे में भी आप लोगों को अभी 120 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप इसमें ब्रेकिंग देखते हैं ना तो अपाचे में अभी भी आप लोगों को मतलब 200mm की डिस्क देखने को मिल रही है, यहाँ पर 230 की। तो यहाँ पर लास्ट में की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बेहतर आप लोगों को बिल्कुल मिलनी चाहिए। हाँ, सस्पेंशन आप लोगों को दोनों में ही, अगर आप दोनों बाइकों में देखते हैं तो आप लोगों को ये ट्विन गैस शॉक ही मिल रही है, यहाँ पर कोई डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन था उसके बारे में बताया। और चलिए अब थोड़ी सी इसकी जो लेफ्ट पोर्शन है उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पर आ रहे हैं ये साड़ी गार्ड ये आपको देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर लेडीज़ फुटर्स लगवाना चाह रहे हैं तो 250 रुपये डाल के आपको एक्स्ट्रा उसको इंस्टॉल करवाना होगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोग को ओपन चेस्ट सिस्टम मिलती है, तो चाहे वो बरसात का मौसम हो या ना हो 300 से 400 किलोमीटर की रेंज पे इसको क्लीन लूप करना होगा ताकि इसकी परफॉर्मेंस और इसकी लाइफ दोनों आप लोगों को बढ़िया मिल सके। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन स्टैंड मिल रही है, साइड स्टैंड भी आप लोगों को मिल रही है। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर साइड स्टैंड की कट ऑफ सेंसर भी मिलती है, जिसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है कि अगर कभी साइड स्टैंड आपकी गाड़ी में लगी हुई है जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करके यहाँ पर गियर पर गाड़ी को डालते हैं गाड़ी आपकी बंद हो जाती है ताकि चलते हुए कभी आप लोगों को एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। और एक्सीडेंट से आप लोगों को इस तरीके से बहुत हद तक राहत बिल्कुल मिल जाती है। और चलिए अब थोड़ी सी ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स और बात कर लेते हैं अबाउट द डायमेंशंस ऑफ दिस बाइक। सबसे पहले अगर मैं सीट हाइट के बारे में बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 785 तक यहां पर आप लोगों को सीट हाइट बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और आप ये चीज देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्प्लिट सीट है ना ये बहुत ज्यादा आपको मतलब वो स्पोर्टी जो नेचर है वो यहां पर बिल्कुल फील कराती है। 5'3" से 5'4" तक की अगर आपकी हाइट है मेरे ख्याल से बाइक को मैनेज करने में आप लोगों को कोई तकलीफ वैसे नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों को टैंक के बारे में बताऊं, पहले कंपनी 11 से 12 लीटर कहा करती थी लेकिन अभी अगर आप वेबसाइट चेक करते हैं 15 लीटर की टैंक कंपनी यहां पर कहती है। और जहां तक बात है माइलेज की तो बता दूं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं अराउंड 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आप लोगों को यहां पर मिल जानी चाहिए अगर आप लोग 60 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है वो मैनेज करते हैं और साथ ही आप टाइम टू टाइम सर्विस पर गाड़ी को डालते हैं तो। और अगर मैं आप लोगों को यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं ये भी बहुत सही है, अगर आप सिटी राइड अगर आप करते हैं तो यहां पर आप लोगों को 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रही है। और साथ ही जो कर्व वेट आप लोगों को मिल रही है ना 150cc की बाइक है और 150 किलोग्राम की वेट भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। कंपेयर करते हैं विद 162V ऑफ अपाचे दैट इज हाइट सीट हाइट, वहाँ पर भी आपको करीबन सेम ही देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। टैंक हाँ वहाँ पर 12 लीटर की है, ग्राउंड क्लियरेंस वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है 180mm की, बट हाँ ग्राउंड क्लियरेंस क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा है तो थोड़ी सी एडवांटेज आपको मतलब अपाचे में देखने को बिल्कुल मिलेगी। कर्व वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ 6 किलोग्राम कम है, 144 किलोग्राम आपको अपाचे में देखने को मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी फीचर्स थी सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल और जो हैंडल बार है थोड़ी सी उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पूरी तरीके से एक फॉक्स ग्रिप और हैंडल बार आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतरीन बन जाती है। अपाचे में भी आप लोगों को सेम काइंड ऑफ हैंडल बार ही देखने को मिलता है, मतलब मैं क्लिप ऑन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ऑन कर देते हैं, ये पास का बटन, ये हाई बीम लो बीम का स्विच और यहाँ पर है ये टर्न इंडिकेटर का स्विच और नीचे है हॉर्न। फ्रेंड्स हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड है। और अगर आप यहाँ पर अगर राइट साइड में आते हैं तो ये इग्निशन ऑन ऑफ करने का स्विच और ये है इंजन ऑन करने का स्विच। चलिए इसके जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि रिफाइंड है। और हाँ बेसी जो नेचर है वो भी आप लोगों को फ्रॉम द एग्जॉस्ट साउंड बिल्कुल समझ में आती है। और अब अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिक इसकी जो मीटर कंसोल है बताऊं तो देखिए पूरा एक स्वाइप लेती है, बहुत ज़्यादा थ्रिल प्रोड्यूस बिल्कुल करती है। RPM लाइट आपको मिल रहा है, साइड स्टैंड और बैटरी इंडिकेटर भी आप लोगों को देखिए यहाँ पर देखने को मिलती है, सर्विस इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और ये कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने इसको अपडेट भी दिया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पीड है वो देखने को मिल रही है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आप लोगों को देखने को मिलता है ट्रिप वन पे, और अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो नज़र डालिएगा ये देखिए AFE2 एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप टू में कितना आ रही है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाती है। और यहाँ पर डिस्टेंस टू MT वगैरह जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है। और ये नॉर्मल इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी कितनी आ रही है वो भी आप लोगों को
दिखाती है, मतलब जितना लीटर पेट्रोल है अभी टैंक पे उस पर आप कितना ज़्यादा किलोमीटर्स आगे ट्रैवल कर सकते हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर बता देती है। और ओडो यहाँ पर आप लोग को दिख जाती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स टैको तो आप लोग को दिख ही रही है, और ये जो इंजन चेक लाइट है वो दिख रही है, और RPM लाइट यहाँ पर आप लोग को दिख रही है। बाकी जो अगर आप टर्न सिग्नल यूज़ करते हैं तो वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है। और यहाँ पर देखिए जो पास लाइट का स्विच है वो भी आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट होती हुई दिखती है, और ABS का सेंसर आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। तो फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने इस बाइक की फीचर और स्पेसिफिकेशंस देख लिया है, एग्जॉस्ट साउंड भी मैंने आप लोगों को सुना दिया है, और चलिए अब देख लेते हैं कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए 2022 या 2023 में कहां तक सही हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इसकी जो टफेस्ट कंपटीटर है दैट इज अपाचे 162V, उसके साथ मैंने काफी ज्यादा कंपैरिजन भी आप लोगों को ड्यूरिंग वॉक अराउंड बता दी है। अब देखिए प्राइस जो है ना सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ऑन रोड कोलकाता इसकी प्राइस बताऊँ ट्विन डिस्क मॉडल की 150, तो इसकी प्राइस बनती है अकॉर्डिंग टू रोल्टा बजाज वो है 1,37,448 रुपीज़। और वहीं अगर आप लोग अपाचे में चले जाते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसकी प्राइस बनती है 1,49,000 तक, और अगर आप ब्लूटूथ एडिशन पर जाते हैं उसकी प्राइस बनती है अराउंड 1,52,000 से 1,53,000 तक। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स 12,000 से 16,000 रुपये तक डिफरेंस आता है जब आप इसको अपाचे से या फिर आप कह सकते हैं अपाचे 162V से कंपेयर करते हैं। तो अब देखिए अपाचे में आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या मिल रही है फ्रेंड्स, वहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ 9 मीटर कंसोल मिल रहा है, LED हेडलैम्प वगैरह का जो सेटअप है वो आप लोगों को अभी नया चीज़ देखने को मिल जाता है, क्योंकि ब्लूटूथ 9 मीटर कंसोल मिल रही है तो वहाँ पर आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन वगैरह जो फीचर्स है वो भी आप लोगों को वहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ फ्रेंड्स, ये जो ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है ना ये फीचर जरूरी है, आई एग्री विथ इट, बट ऐसा नहीं है कि आप हर दिन उसको यूज़ करने वाले हैं, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा हूँ अगर मैं इसके साथ उसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ तो। लेकिन हाँ अगर आप उसकी स्टैंडर्ड एडिशन पर जाते हैं जहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल नहीं भी मिल रही है, उसकी प्राइस अराउंड 1,49,000 तक में बनती है, और वहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ से बेटर चीज़ क्या मिल रही है, थोड़ी सी आपको पावर ज़्यादा मिल रही है, और वहाँ पर आप लोगों को ये जो आप हेडलैम्प देख पा रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को LED की देखने को मिलती है। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ वहाँ पर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल देख रहे हैं, तो मैं ब्लूटूथ मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग अराउंड 12,000 से 16,000 रुपये आप कम पे कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स इंजन की जो परफॉर्मेंस है ये आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल मिलती है। 45+ किलोमीटर आप लोग को यहाँ पर माइलेज भी बिल्कुल मिल जाती है, हैंडलिंग भी इस बाइक की काफ़ी बढ़िया है, एग्जॉस्ट जो साउंड है वो भी आप लोगों को काफ़ी रिफाइंड बिल्कुल महसूस होती है। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पर ऑफिस गोइंग पर्सनल हैं या फिर अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपको माइलेज चाहिए थी, लुक चाहिए थी, बाइक का एक अच्छा फील चाहिए था, ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्योंकि बहुत दिनों से ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, सामने में ब्लंट एलिमेंट पीछे का शार्प एलिमेंट, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो स्टाइल एलिमेंट है ना वो भी आप लोगों को इस बाइक में काफ़ी बेहतरीन मिलती है। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पल्सर 150 पहले से पसंद थी, आप इसको खरीदना चाह रहे थे, बेशक आप 2022-23 में इसको खरीद सकते हैं, बहुत बेहतरीन बाइक। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी सी और मतलब एक्स्ट्रा फीचर वाली बाइक चाहिए थी जहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल वगैरह चाहिए या फिर अगर आपको यहाँ पर LED हेडलैम्प वगैरह चाहिए, तो मेरे ख्याल से अपाचे 162V भी आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन बिल्कुल बन सकती है। तो फ्रेंड्स दोनों बाइकों को खरीदने से पहले आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार टेस्ट राइड लीजिए, क्योंकि दोनों बाइकों की जो परफॉर्मेंस है जो हैंडलिंग है करीबन आप लोगों को सेम ही देखने को मिलती है। फ्रेंड्स आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बिल्कुल बताइएगा दोनों बाइकों में से आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।